अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर टू ऑफ सोशल स्टडीज़। कंटेंट इज सेक्शन नंबर वन ज्योग्राफी एंड चैप्टर नंबर वन ज्योग्राफी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज and I will tell you the short question answers. You have to find the answers of their short questions in your book, in your reading. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the title of your book. Let's get started. Question answers. Chapter number 1, topic geography of the Muslim world. Activity question answers. Question number 1, look at the world map in your atlas. Although there are Muslims in every country of the world, there are no Islamic states in four continents. Can you name them? कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन कॉन्टीनेंट्स चार ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान मौजूद नहीं है। आपने उनके नेम बताने हैं। देयर आर नो इस्लामिक स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलेशिया, ओशनिया एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज टाइनी स्टेट इन साउथर्न यूरोपियन यूरोप वेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था, दैट्स वाई मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों क्वेश्चंस को इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट वर 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन आर ऑफ मुस्लिम रीजन। कि वहाँ 33 मिलियन में से 70% जो है मुस्लिम रीजन है। दो ओनली अबाउट 20% प्रैक्टिस द रिलीजन। 20% हैं जो दूसरे रिलीजन्स में से हैं। यूज़ रेफरेंस बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड आउट हाउ दिस टाइनी आइसोलेटेड कंट्री केम टू बी इन एन अदरवाइज ऑल क्रिश्चियन यूरोपियन। आप बताएं इस कंट्री का नेम फाइंड आउट करके वो कौन सी कंट्री है जो जहाँ पर सिर्फ ये एक ही कंट्री है कि वहाँ 70% जो है वो मुस्लिम्स हैं, बाकी वो पूरा रीजन जो है क्रिश्चियनिटी का है। आंसर इज, दिस इज अल्बानिया। अल्बानिया है एडजॉइनिंग ग्रीस, जो कि ग्रीस के साथ मिलता है। अल्बानिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1912 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना, आज़ाद रियासत। इट वाज अ सोशलिस्ट स्टेट, ये सोशलिस्ट स्टेट था, बट इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ। लेकिन अब ये डेमोक्रेसी जमहूरियत, इसकी जो है पार्लियामेंट वो जमहूरी है। इट इज़ आल्सो अ मेंबर स्टेट ऑफ द OIC। ये OIC की मेंबर स्टेट भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी corporations. Next question number 3, look at the map given above and note the details of the natural vegetation in the Muslim world. आपने natural vegetation of Muslim world जो है उसके बारे में देखना है। This is on your book page number 3. Make a table showing the names of the Muslim countries and their natural vegetations. आपने Muslim countries के names का table बनाना है और उनके natural vegetations लिखनी है। This is an activity and you have to do by yourself. Next one is worksheet. Match column A with column B. Column A show the four main religions of the world and others. And column B show the estimated number of their followers. ये आपको religions दिए गए हैं और उनके estimated percentage और followers दी गई है। इसको solve out करने के लिए the page number 1 of your chapter number 1 will be helpful for you. Next, MCQs. Choose the correct answer. Okay? Most of the Muslim countries of the world are located in deserts and scrublands, temperate grasslands, rainforest, tropical grasslands. The highest regions are in Dash, Yemen and Oman, Libya and Egypt, Afghanistan and Pakistan, Syria and Iraq. Third one, the main mountain range in North Africa is Karakoram, Hindu Kush, Himalayas and Atlas Range. Temperate grasslands are found in Malaysia, Saudi Arabia, Sudan, Central Asia. There are tropical rainforests in Dash, South Asia, Southeast Asia, Middle East and North Africa. When you find out the answers of the short questions that I have given to you,
यू विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज एमसीक्यूज ऑल्सो. ओके, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स. द रिवर नील इज इन डैश. द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स फ्लोज इन टू द डैश. ये रिवर्स के नेम्स हैं. द रिवर इंडस फ्लोज इन टू द डैश. ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आपको अपनी रीडिंग बुक का पेज नंबर 3 पे मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस. आई हैव गिवन यू शॉर्ट क्वेश्चंस विच यू हैव टू फाइंड विच हुज आंसर यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द रीडिंग. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रीजन. वट इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. नेम थ्री स्टेट्स विच डिक्लेयर दैट दे आर इस्लामिक स्टेट्स. हाउ मच नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. सॉरी, ई ए एस टी, ईस्ट टू वेस्ट मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेच. इन विच फेथ मुस्लिम वर्ल्ड बाउंड टूगेदर. नेम द माउंटेन्स ऑफ मुस्लिम रीजन. नेम द हाइएस्ट रीजन ऑफ माउंटेन्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज. विच डेजर्ट्स आर इन द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. इज ग्रोइंग क्रॉप्स पॉसिबल इन डेजर्ट्स. हु आर कॉल्ड नोमैडिक पीपल. वेयर आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन मुस्लिम रीजन. नेम द ग्रेट रिवर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. हाउ मेनी कंट्रीज हैव 50% टू 100% मुस्लिम पॉपुलेशन. वट इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन अदर कंट्रीज. What is the percentage of other religions in the world? Which countries of the Muslim world have very little vegetation? Okay, I am going to make this easy to you. You have to read the reading from the first line till the last line. In every line, in every one or two lines, you will find the answer of question number 1, then 2, then 3, then 4. Then 5, then 6. These question answers are in a sequence according to your reading. And at the last, these questions are from the info boxes. Okay, students? Now, it's time of diary. Prepare the title page of chapter number 1. Draw any diagram from the lesson. आप draw करते हैं, कोई diagram draw कर लेते हैं और ऊपर chapter का name लिखते हैं, आप पहले एक title page ready करते हैं जो. And do homework of question answers and worksheet or notebook and learn. Question answers mean 2 long questions and these 15 short question answers. And you have to solve the worksheets or also on your notebook. Okay, students, best of luck. Allah Hafiz.